पवन सिंह ने लगाया डबल शतक। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, पिछले साल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बवाल गाना आप सभी के बीच आया था, जिस गाने का नाम था गोदी में लेके। ये गाना रिलीज होते ही पूरी तरह से बवाल और धमाल मचा दिया था। इस गाने को गाए थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज ने। गाना बहुत ही कमाल का था, जो कि ग्राउंड लेवल पे ये गाना खूब ज़्यादा बजा। वीडियो गाने में थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और क्वीन शालिनी। लेकिन इस गाने को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। चौंकाने वाली खबर यह है कि पवन सिंह का गाना गोदी में लेके ये गाना 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का गाना गोदी में लेके ये गाना 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है यूट्यूब पे, जो कि कंपनी ने एक पोस्टर जारी किया है जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और एक दिन पहले पवन सिंह भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इस पोस्टर को पोस्ट किया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और पवन सिंह का ये गाना 100 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो गया। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सिर्फ एक चैनल पर ये गाना 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। अदर चैनल का व्यूज जोड़ दिया जाए तो 200 मिलियन के आसपास इस गाने का व्यूज है। वहीं पवन सिंह का एक और गाना अर्धशतक लगा दिया है, जिस गाने का नाम है पिया छोड़ दी ही ना। ये गाना 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है यूट्यूब पे, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये गाना 2024 का गाना है। हाँ, तो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। और जो छूट गया होगा कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, बता दूंगा। हाँ तो दोस्तों, ये रहा पवन सिंह का अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।